चारुलता जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? ओजस जी, चारुलता जी, ओजस जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? तमाम दिखेगी तो बोलिएगा। अगली बार से मैं देखता हूँ, कल के लिए भी कोई दूसरा मीटिंग का करके देखेंगे। कल नहीं, परसों के लिए। कल तो नहीं है, शनिवार को है, क्योंकि बार इतना हैंग हो रहा है, ये गलत है। मतलब वेबेक्स वैसे तो बहुत अच्छा टूल होता है, और ये अभी अभी होना चालू हुआ है, क्योंकि इंस्टा हमारी बहुत 5-6 महीने से चल रही है अलग-अलग तरह की, पर अभी-अभी कोई अपग्रेड आया है इसका, उसने कुछ तो गड़बड़ किया है। उसके लिए जियो का चाहिए, मतलब मेरे को उसको जियो
जियोमीट सिर्फ एक ऐप है, टूल है, फोन में जियो डाल का नहीं है लो। ना? जियो का ही है, जियो निकाला है, पर अच्छा उसमें ओके। जियो का नेटवर्क जरूरी नहीं है। हाँ, नेटवर्क कोई भी है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता उसमें, वो सब पर उसमें भी रिकॉर्डिंग नहीं है, इसलिए अभी मैं जिन सेशंस में रिकॉर्डिंग मुझे चाहिए, फिर मैं वेबएक्स ही उपयोग करता था अभी तक। अब मुझे टीम्स, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स देखना पड़ेगा। उसमें होती है रिकॉर्डिंग। ठीक है, तो अभी आपको स्क्रीन दिख रहा है मेरा? तो ये आपको अभी भी नहीं दिख रहा है? एक बार फिर से करके देखते हैं। शेयर स्क्रीन। पर ठीक है, अभी दी स्क्रीन नहीं भी दिख रही, तो अभी आखिरी के लगभग 5-7 मिनट बचे हैं, तो हम एक महत्वपूर्ण चीज करेंगे। चलो लता जी, आपको भी हमारी आवाज आ रही होगी मेरे ख्याल से। तो अब आज हम लोग वर्णमाला बोल के देखेंगे। तो मुझे लगता है कि ज्यादातर लोगों को वर्णमाला आती है, अधिकतर लोगों को आती है, पर फिर भी एक हाँ ई जो है, पर एक कभी कभी शायद थोड़ी बहुत चूक या त्रुटि जैसी लगती है, या हमको लगता है कि शायद यहाँ पे कोई और बता दे। तो अभी कोशिश करते हैं आप। चलिए, तो उससे पहले एक बार वर्णमाला बोल के देखिए, धीरे धीरे आराम से, कोई जल्दी नहीं। जैसे आ, 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 तो
ये दोनों अलग-अलग छोटा और बड़े अलग-अलग आवाज पता चलनी चाहिए। जैसे अब ई, तो अब जब ई कहेंगे तो दोनों में ई एक जैसा सुनाई आ रहा है ना, तो वो अंतर का ध्यान रखिए। एक बार फिर से कोशिश कीजिए। इसमें दो और शब्द होते हैं जो इनको उनको भी स्वर स्वरों में उनको गिना जाता है। एक है लृ, जो ल होता है उसमें जो नीचे जो कृष्ण में जो लगती है मात्रा, वो वाली ल में लगती है, तो उसको लृ कहते हैं। उसका बहुत कम उपयोग होता है भाषा में, पर फिर भी वो एक स्वर है। और उसी तरह री, ऋषि वाला जो री होता है। हाँ, तो वो असल में बीच में कहीं एक जगह पे लिखते हैं आ, आ, उ, उ, और फिर ये री और री लिखते हैं, और फिर आगे के लिखिए और बिंदी लगा लीजिए ऊपर अनुस्वार। नहीं, अच्छा है ना, तो वो सब होगा अभी अपनी कक्षा में, इसलिए तो अपन ये सब कर रहे हैं ताकि हर चीज को वापस धीरे धीरे आदत बनेगी, खुद भी बनेगी, कोई और पूछेगा तो आप कम से कम उसको भी लिख के बता सकते हो।
भेजिएगा। तो चलिए वर्णमाला का आगे अभी बोलना है और इसके बाद चारुलता जी भी बोलेंगी। तो अभी आपको बोलना है, अब जो है अब व्यंजन बोलने क ख से। अच्छा तो फिर एक बार पहले चारुलता जी से भी सुन लेते हैं और फिर नहीं तो मैं बोल के आपको बता दूंगा और इस पे हम फिर ये रिकॉर्डिंग में मैं लिखा हुआ भी इसमें जोड़ दूंगा बाद। ठीक है, तो आपको जो रिकॉर्डिंग में मिलेगा उसमें वो पूरी मिल जाएगी। हाँ, पर अब क्योंकि स्क्रीन दिख नहीं रहा ना कुछ, तो आप लोग मतलब ये वेबएक्स की कुछ प्रॉब्लम है शायद, स्क्रीन दिखना अभी फिर से नहीं आ रहा। शेयर में 2 बार कर चुका हूँ तो वो आना पड़ता है। हाँ चारुलता जी, अब आप बोलिए। जैसे क ये तो सही हो गया। च छ ज झ के बाद आप क्या बोली? हाँ, सिर्फ च वाली वर्ग जो है, च वाला वर्ग। अच्छा, मेरी आवाज नहीं आ रही आपको? आपको मेरी आवाज नहीं आ रही चारुलता जी? अच्छा, नहीं आवाज तो मेरी अच्छी खासी है पर आपके फोन से शायद आपको ईयरफोन लगा के शायद बैठना पड़ेगा। जो वो फोन का वो आता है, सिर्फ छह वाला। तो रुकना पड़ेगा क्योंकि छ छ ज झ के बाद या भी आता है और वो छूट गया।
क्योंकि हर वर्ग में पांच पांच अक्षर है ना, हर वर्ग में पांच पांच वर्ण है। तो हाँ, फिर तो हाँ, जी बोलिए। लेकिन आपको स्क्रीन दिखने लगा क्या? अच्छा ठीक है, तो देखो, चारुलता जी अभी बोल के भी दिखा देंगी। क ख ग घ जो है आप गंगा बोल के देखें, गंगा शब्द में अंग बीच में आता है और उसमें शुरू का ग और आखिरी का गा हटा दीजिए और फिर अंग एक जो आवाज निकलती है वो। हाँ, और वो आपको बाकी अक्षरों से भी पता चलेगा कि यदि आप क ख ग घ बोल रहे हैं तो आपको अपने कंठ में से उसका जो आवाज है वो आती हुई समझ में आएगी, मतलब कंठ से वो निकल रहा है। आप हाँ कहिए तो आपको लगेगा ख, शरीर का कौन सा भाग वो छू रहा है, मतलब कहाँ से आवाज निकल। तो इनको इसलिए कंठा भी कहते हैं। कंठव्य है। इसके बाद आई जो है च वाला वर्ग, च छ, तो अभी मैं जब च बोलते देख रहा हूं तो ये मेरे तालू दांत के थोड़ा सा ऊपर एक भाग होता है मुंह के अंदर, तो आप बोल दीजिए। हाँ, इस वर्ग को तालू भी कहते हैं क्योंकि ये तालू से निकल रहा है। क्योंकि वो तालू जो दांत के थोड़ा सा ऊपर वो जगह है जहां पर बार बार जीभ जीभ आके वहीं पे छूती है, च छ ज। आप
पैलेट बोलते हैं। तो अब ये वाली लाइन पूरी बोलते देखिए, चारुलता जी पहले बोलेंगी फिर ओजस जी बोलेंगी। ओजस जी दोनों बोलेंगे और चारुलता जी सिर्फ छह वर्ग बोलिए आप। तो ज और छ को बिल्कुल अलग से आवाज आनी चाहिए। फिर से एक बार, फिर से कर ले। तो ये मराठी वाला ज हो गया, संस्कृत में वो वाला ज नहीं है, ज तो होता ही नहीं, छ बोलते हैं। हाँ, मराठी हाँ ठीक है। अब ओजस जी पूरा क से बोलिए। पूरा बोलता हूँ। तो ये जनिय झ है, झंडा वाला झ। हाँ, ज जो है हिंदी में हम मतलब इसको ज नहीं बोलते, वो मराठी में होता है। तो मराठी में यही अक्सर यदि दिखेगा तो वो उसको ज जैसा बोलते हैं, पर हिंदी और संस्कृत में ज यदि आपको लिखना है तो वो ज ऐसा होगा, ज लिखा और उसके नीचे बिंदी लगा दी तो वो फिर वो ज हो जाता है। लेकिन ये अक्षर जो है वो झ है। झंडे वाला झ है। सारे महाप्राण है। तो अभी आपने जो बोला वो सही बोला, जिसमें भी जैसे ज में ह जैसा आपने जोर से ह के साथ बोला ज को ही, तो उसके ये पहले ज था और उसी ज को आपने यदि जोर से ह के साथ बोला तो वो बन गया झ। वैसे आप ग को देख लीजिए,
को यदि आप ह के साथ बोलेंगे तो बन जाता है घ। सारे के सारे जो हैं बिल्कुल इतने वैज्ञानिक इतने वैदिक तौर से तरीके से बने हैं कि आपको जब वर्णमाला सीखते हैं तो भरोसा नहीं होता कि इतना वैज्ञानिक तरीके से कोई बना सकता है, क्योंकि ये सारे कंठ से निकलते हैं। ये पहली चीज। फिर उनका जो जवाब है उसमें पहले क जो थोड़ा हल्का होता है, फिर ख जो है उसी में आप थोड़ा जोर से भारी जो है, तो उनको महाप्राण कहते हैं। तो ये दोनों जो है ख और घ जिनमें जोर लगता है वो महाप्राण है, और जिनमें सारे वर्गों में आएंगे। तो इस वाले कॉलम में कह लीजिए। हाँ, तो ये सारे महाप्राण मिलेंगे। और जो दूसरे हैं बचे हुए, कृष्ण जी भी आ गए हैं, तो अब कृष्ण जी आपको आवाज आ रही है हमारी? बढ़िया। तो जो दूसरे हैं जिसका ग च ज, तो ये जो है ये अल्प प्राण है जिनमें जोर नहीं लगता। अच्छा, वो कौन से प्राण होते? नहीं, वो इन दोनों में से कोई नहीं है, वो अलग ही है। हाँ, उनका एक नाम है, मुझे याद करना पड़ेगा उनको क्या बोलते हैं, मैं उनका नाम याद करके बता दूंगा अभी। उनका तो मुझे याद। हाँ, वो गंगा में आता है, तो अंग जो है हम गंगा की तरह सीखते हैं। सकते
तो वो भी हम सीखेंगे, वो हम इसके बाद सीखेंगे, तो अगली कक्षा से एक बार वर्णमाला पूरी हो जाएगी, तो फिर हम हर अक्षर से कौन कौन से शब्द बन सकते हैं, जैसे पहले आ ई उनसे करेंगे, तो अ से अश्व घोड़े के लिए, फिर आ से आम पर आम के लिए होता है, फिर आश्रम, तो ऐसे अलग अलग सारे शब्द हम एक एक करके सीखेंगे और वाक्यों के साथ सीखेंगे, तो हम सिर्फ शब्द नहीं सीखेंगे, जैसे बच्चों की पुस्तकों में होता है ना कि सिर्फ शब्द सिखाते हैं, हम वो नहीं करेंगे, तो हम पूरे पूरे वाक्य के साथ करेंगे। तो यदि मुझे बोलना है कि आश्रम, तब मैं आश्रम अकेला नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा कि तत्र आश्रम आश्रमम अस्ति, तो मैं पूरा वाक्य बताऊंगा कि वहां पे आश्रम है, ताकि आप उसका पूरी तरह से उपयोग कर सकें साथ में। ठीक है, तो वो हम बाद में सीखेंगे, पहले वर्णमाला पूरी कर लेते हैं। इसके बाद अगला है जो चारुलता जी फिर से आगे कट बोल के बताएंगी, च वर्ग के बाद चारुलता जी। नहीं, ये त नहीं है, ये तो ट वर्ग है ना, च के बाद ट वर्ग आता है, फिर त आएगा बाद में, तो अभी पहले आपको ट वर्ग बोलना है, ट सभी लोग सीखे होते हैं, कृष्ण जी ने भी सीखा होगा, उद्धव जी ने भी शायद स्कूल में जब छोटे रहे हों, तो हमारे मन के दिमाग से निकल जाता। हाँ बोलिए कृष्ण। वर्णमाला पूरी करके आज रुक जाएंगे, आगे का परसों करेंगे जब शनिवार की 4 बजे वाली कक्षा में। ठीक है,
और उस दिन यज्ञ का भी निमंत्रण है सबको, तो आपने शायद ग्रुप में देख लिया होगा। वजर्स जी उस दिन हमको यज्ञ की विधि बताने वाले हैं, और मेरी कृष्ण जी से भी बात हुई है, तो कृष्ण जी भी उसमें प्रश्नोत्तर के समय या और भी समय मदद सहायता कर सकते हैं। और कृष्ण जी भी यज्ञ की विधि सिखा सकते हैं, तो हम उनका भी कभी आगे देखते हैं, यदि मैं उनसे अलग से बात कर लूँगा तो उनका भी एक सेशन। आपको वो लिंक आई है ना चारुलता जी, हमने ग्रुप में भेजी है, वो पोस्टर भी भेजा, लिंक भी भेजी है। नमो नमो कृष्ण। नमो नमः शिवरात्रि कृष्ण जी।
और इनको क्या बोलते हैं? क्या हाँ, तो ये होंठों से क्या ढके आते हैं, इसलिए ओष्ठव्य। तो इससे आपको कई सारे नए शब्द भी पता चल रहे हैं, जैसे होंठों को हम ओष्ठ्य कहते हैं, तालु मूर्धा और कंठ और दंत। तो ये भी नए नए शब्द पता चल रहे हैं। और प फ ब हो गया, और इसके बाद चल देता जी। इनमें मिश्रित है, मतलब ये, हाँ,
आप यदि बोलेंगे तो ल भी नहीं, ल तालव्य है, ल भी तालव्य है।
जी, एक चीज मुझे बस आपको ध्यान दिलानी थी कि यज्ञ के समय जिस दिशा में आप करने वाले हैं उस तरफ यदि आपके कमरे में लाइटिंग प्रॉपर ठीक है तो उसका बस इंतजाम रखिएगा कि लाइट है तो बहुत। मैं आपको अलग से फोन लगा लूंगा, ये तो अलग बात है। तो चलो कक्षा समाप्त करूंगी। हाँ, नमो नमः। सर्वेषां नमो नमः। शनिवार अगली शनिवार को 4 बजे। चल लता जी, ठीक है। नमो नमः। जरूर लता जी।